हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए कोटा के सेवन वंडर पार्क में। तो आज हम आपको विश्व के 7 अजूबों की सैर कराएंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप बाहर से व्यू देख सकते हो और ये यहाँ का एंट्री गेट है। भाई टिकट ले रहा है अभी, तो हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर टिकट ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये है ओनली। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हो, इसका नाम कोलोजियम है और ये इटली देश के रोम शहर में स्थित है। और इसमें क्या होता था कि हजारों साल पहले राजा महाराजा इसमें ओलंपिक खेल वगैरह करवाते थे, और इस खेल में गुलाम लोग भाग लेते थे, और इस खेल की आखिरी सजा क्या होती थी? मौत। इसे पिरामिड बोला जाता है और यह मिस्र का विशाल पिरामिड है, और यह अभी तक विश्व जिसे मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज की याद में 1632 ईस्वी में बनाया था। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं, ये किशोर सागर है और इसके अंदर जग मंदिर बना हुआ है। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक मूवी शूट हुई थी वरुण धवन की, जिसका नाम था बद्रीनाथ की दुल्हनिया। किशोर सागर तालाब में और सेवन वंडर पार्क में सीन फिल्माए गए थे। तो आप देख पा रहे हो, ये है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका देश के न्यूयॉर्क सिटी में हडसन नदी पर बना हुआ है। ये अमेरिका देश की आज़ादी का प्रतीक है। बस्ती राम भाई भी व्लॉग शूट करते हुए। तो ये पीसा की झुकी हुई मीनारें, ये इटली देश के पीसा शहर में स्थित है, और ये 8 मंजिला इमारत है। और इसकी खास बात ये है कि ये एक तरफ से झुकी हुई है, लेकिन ये आज तक कभी गिरी नहीं है। तो आप जो देख पा रहे हो, ये एफिल टावर है, जो कि पेरिस सिटी में बना हुआ है। ये स्टील से निर्मित है। यह 1930 से पहले की सबसे ऊंची इमारत है, और अभी वर्तमान में जो है वो बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में स्थित है।
तो दोस्तों ये अपना लास्ट वंडर है और ये ईसाई लोगों का स्टेचू है और ये ब्राज़ील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें। तो